नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशन एक्टिविस्ट श्री धर्म सिंह जी ने एक मैसेज शेयर किया जिसमें उन्होंने एक्स ग्रेसिया और अपने यूओबीयू के लीडर्स के बारे में बताया है। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में रिटायरीज के लिए 1% एक्स ग्रेसिया रखा गया। उस समय नेताओं का खून खोल गया था कि ये तो भीख है, परंतु फिर भी सभी साथियों ने खुशी से लिया तथा लेना भी चाहिए था। 1,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए तक का फाइनेंशियल हेल्प के रूप में फायदा रिटायरीज को हुआ। 12th बाईपार्टाइट समझौते के अनुसार कुल रुपीज 12,499 करोड़ कार्यरत साथियों को आवंटित किए गए। वर्किंग एम्प्लॉय 17% रुपीज 12,499 करोड़, लोड बीपीएस 3% दैट इज द 1,795 करोड़, और एक्स ग्रेसिया रिटायरीज के लिए 1% जो 594 करोड़ हुआ। टोटल 21% रुपीज 14,888 करोड़। समझौते में कहीं नहीं लिखा कि एक्स ग्रेसिया रिटायरीज के पेंशन फंड में से भुगतान किया जाएगा, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1% एक्स ग्रेसिया रिटायरीज के पेंशन फंड से क्यों भुगतान किया जा रहा है। अभी आरटीआई के जवाब में पंजाब नेशनल बैंक ने स्पष्ट किया कि एक्स ग्रेसिया का भुगतान पेंशन फंड से हो रहा है, ये तो सरासर गलत है, जबकि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में इसके फंड का प्रावधान किया जा चुका है, तो फिर पेंशन फंड के साथ छेड़छाड़ क्यों। हद तो इस बात की है कि बड़े बड़े संगठनों के नेता बिल्कुल चुप हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि बड़े संगठनों के नेता अधिकतर पुराने रिटायरीज हैं, उन्हें 100% डीए तथा एक्स ग्रेसिया मिलाकर लगभग 15,000 से 20,000 रुपए का फायदा हो गया। उन्होंने संघर्ष के चलते उम्मीद तो लगा रखी थी, पर कभी कल्पना नहीं की थी। उन्हें अब डर है कि कहीं आवाज उठाई तो एक्स ग्रेसिया भी खत्म ना हो जाए, बेकार में लगभग 4,000 से 6,000 का नुकसान हो जाएगा। मैंने समझाया कि ऐसी बात नहीं है, यूपीओ के नेताओं की हम कह नहीं सकते, परंतु रिटायरीज संगठनों के नेता ऐसा नहीं सोचते। उनकी मजबूरी है कि उनमें एकता नहीं है। कोशिश की जा रही है कि एका करने की। पहले CBPRO ने प्रयास किए, सभी रिटायरी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक की तथा सफल भी रही। उक्त बैठक में चाहते हुए भी AIBRF के चीफ मान्यवर जैन साहब किसी मजबूरी के कारण शामिल नहीं हुए। अब AIBRF ने सभी संगठनों की बैठक बुलाई है, कौन कौन शामिल होगा यह तो भविष्य ही बताएगा। इस समय सभी रिटायरी संगठनों के एक्स ग्रेसिया के बारे में IB तथा भारत सरकार को पुरजोर तरीके से पेंशन फंड से डेबिट करने का विरोध दर्ज करना चाहिए। यह पेंशन फंड से डेबिट न होकर बैंकों के 12th बाईपार्टाइट के हिसाब से हो। यदि पेंशन फंड से ही पेमेंट करनी थी तो फिर एक्स ग्रेसिया क्यों, सीधे तौर पर RBI की तर्ज पर पेंशन अपडेशन ही कर देना चाहिए। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की कुल बढ़ोतरी 21% में से 17+3% +1% रिटायरीज के लिए एक्स ग्रेसिया के लिए रूप में भुगतान या इत्यादि की ड्रामेबाजी कर रिटायरीज के साथ धोखे पे धोखा क्यों। IBA के एक सर्कुलर ने स्पष्ट कहा है कि एक्स ग्रेसिया कोई पेंशन अपडेशन नहीं है तथा न ही रिटायरीज के पेंशन अपडेशन के दावे को किसी भी तरह से प्रभावित करता है। यह भी स्पष्ट लिखा है कि एक्स ग्रेसिया इज ए वन टाइम मेजर एप्लीकेबल फॉर द करंट बाईपार्टाइट ऑफ द जॉइंट नोट पीरियड। दूसरी बात, पेंशन फंड में केवल और केवल पेंशन और फैमिली पेंशन के अलावे आप कुछ भी या कोई भी नाम से एक्स ग्रेसिया फंड को डेबिट नहीं कर सकते। फिर भी यूओबीयू की मिली भगत से पेंशन फंड पर डकैती की जा रही है और बड़े बड़े नेता चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्स ग्रेसिया देखकर यूओबीयू तथा IBA मिलकर हम रिटायरीज के पेंशन अपडेशन की लड़ाई जो चरम सीमा पर पहुंच गई थी उसे कमजोर करने की चाल थी। आप देख ही रहे हैं, एक्स ग्रेसिया के बाद पेंशन अपडेशन पर हमारे संगठनों ने ढिलाई बरतनी आरंभ कर दी। पेंशन अपडेशन पर शांति बनी हुई है, जोश ठंडा पड़ गया है। हमारा अनुरोध है कि थोड़े से एक्स ग्रेसिया के चक्कर में पेंशन अपडेशन की लड़ाई
जो अपने लक्ष्य की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उसे मझधार में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हम मानते हैं या समझते भी हैं कि आजकल तापमान 50 डिग्री चल रहा है, रिटायर्ड साथियों तथा रिटायर्ड नेताओं को खासकर अपना ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का दौर है, घर बैठकर भी नेता लोग हुंकार भर सकते हैं, रिटायरी आंदोलन को तेज कर सकते हैं। वरना पेंशन अपडेशन के लिए 28 वर्षों से चला आ रहा आंदोलन जो अपनी सफलता के अंतिम पड़ाव पर है, बिना पेंशन अपडेशन के समाप्त होने का डर है। इसलिए RBI के तर्ज पर सभी बैंकों में पेंशन अपडेशन के मूवमेंट में ढिलाई न आने दें, रिटायरी एकता के प्रयास से ही यह संभव हो सकता है। चलते चलते एक अविश्वसनीय सूत्रों की खबर के अनुसार IBA ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से एक्सग्रेसिया का एक फार्मूला तैयार किया था, बहुत ही गुप्त रखा गया था, कानों कान किसी को भनक नहीं लगने थी। परंतु समझौते से 2 दिन पहले दो बड़े नेताओं का बुलावा गया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, परंतु उनके बहुत ही अनुरोध करने पर एक्सग्रेसिया फार्मूला में IBA को बदलाव करना पड़ा, जो इस प्रकार से था, रिटायरीज ईयर अप टू 30 जून 1993 बिफोर और फाइनल 0.15%, 0.17%, 93 to 98 0.13% से 0.15%, 1998 से 2002 0.11% से 0.12%, accordingly 2002 से 2007 0.09% से 0.07%, 2007 से 2012 0.07% to 0.05%, 2012 से 2017 0.05% से 0.03%, और 2017 से 22 0.03% से 0.02%। प्रभावशाली नेताओं का अनुरोध था कि 2002 पहले से रिटायरीज को एक्सग्रेसिया अधिक दिया जाए। बेशक आप 2002 वालों को एक्सग्रेसिया कुछ कम कर दो, IBA को एक्सग्रेसिया पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चार्ट को देखें तो पहले IBA ने सबको 0.02% के अंतर से एक्सग्रेसिया देना सुनिश्चित किया था, मगर नेताओं ने अनुरोध करके एक्सग्रेसिया फार्मूला में बदलाव करवा दिया। आप देख रहे हैं कि मार्च 2002 के रिटायरीज को 0.12% था, अप्रैल 2002 के रिटायरीज को 0.07% अर्थात 0.05% का डिफरेंस है। IBA को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2002 से 2022 के रिटायरीज का एक्सग्रेसिया कम करके 2002 से पहले वाले रिटायरीज को एक्सग्रेसिया बढ़ाकर दे दिया गया। हम सभी रिटायरीज का दिल बहुत बड़ा है, किसको कम मिला या किसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु नेताओं की मानसिकता पर हैरानी होती है। आओ एक बार फिर RBI के तर्ज पर पेंशन अपडेशन के लिए प्रयास करें, न्यायालय में अपना पक्ष मजबूत करें, अपने पत्र व्यवहार की लेखनी में धार लाएं, एकता के साथ साथ धरना प्रदर्शन पर जोर दें। जागो और जगाओ, धर्म सिंह, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, ये सच है कि एक्सग्रेसिया मिलने के बाद हमारे आंदोलन में थोड़ी सी रुकावट आई है, थोड़ा अवरोध हुआ है, और अगर हम इसमें ढीले पड़ जाएंगे तो पेंशन अपडेशन का जो 28 साल से पुराना हमारा आंदोलन चल रहा है वो सुस्त हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।